असल व्यूअर्स वेलकम टू माई चैनल कंप्यूटर टूडे वी विल लर्न अबाउट द स्विच स्टेटमेंट बिफोर वी स्टार्ट आर लेक्चर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन सो दैट यू कैन रिसीव न्यू वीडियो नोटिफिकेशन नो लेट इ स्विच स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट जो है ये भी कंडीशनल स्ट्रक्चर है इससे पहले हम जो बाकी कंडीशनल स्ट्रक्चर्स से लाइक इफ़ इफ़ एल्स उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अगर आपको मज़ीद उसके बारे में जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आप वहाँ से जो है वो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है वो आप देख सकते हैं तो स्विच स्टेटमेंट क्या है ये भी एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है और ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हों और यहाँ जहाँ पर जो है वो एक से ज़्यादा चॉइसेस हों तो स्विच स्टेटमेंट इज अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर इट इज़ अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ़ स्टेटमेंट यानी ये इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के मुतबाद के तौर पर जो है वो यूज़ होता है और ये वहाँ यूज होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉइस जो है वो अवेलेबल होती हैं एंड वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वन फॉर एग्जीक्यूशन उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं स्विच स्टेटमेंट जो है अल्टरनेटिव होती है इफ़ एल्स इफ़ का इसका जो सिंटेक्स है या जो लिखने का तरीक़ार है वो ये है कि स्विच लिखते हैं और स्विच के बाद हमने लिखना है एक्सप्रेशन स्विच के बाद हमने एक्सप्रेशन लिखना है उसके बाद केसेस मैच करने हैं केस कांस्टेंट वन और हर केस के बाद हमने कॉलन लगाना है हर केस के बाद कॉलन लगाना है उसके बाद ब्रेक आ जाएगी यानी ये केस कॉन्स्टेंट वन स्टेटमेंट और उसके बाद जो है वो ब्रेक फिर उसके बाद अगर फर्स्ट केस मैच नहीं होता फर्स्ट केस की जो वैल्यू है वो मैच नहीं होती फिर सेकेंड केस के अंदर आ जाएगा इस तरीके से जो है वो एन केसेस जो है वो मैच हो अगर जो हो जाएगी एन केसेस में से तो ये उनकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा अगर सपोज कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी एक दफा दोबारा देख लें कि हमने क्या करना है स्विच लिखना है एक्सप्रेशन उसके बाद केसेस मैच कराने हैं जो भी वैल्यू जो यहां पर वैल्यू दी हुई होगी वो अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच हो जाएगी तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी इसी तरीके से हम एन केसेस तक मैच करा सकते हैं वो नंबर ऑफ कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशंस कितनी हैं और उसके बाद जो है फिर हमने उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगी उसको हमने एग्जीक्यूट करा देना है उसके बाद अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो हम डिफॉल्ट के अंदर डिफॉल्ट के बाद हमने डिफॉल्ट और उसके बाद हमने कोलन देना है तो अगर कोई वैल्यू मैच ना हुई तो हम डिफॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी उसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे इसका जो है वो फ्लो चार्ट है डिफरेंट केसेस जो है एज एन कंडीशन जो है वो हमने लगा देने हैं अगर केस वन मैच होगा इसका मतलब ये है कि आपने पीछे जो देखा है इफ़ एल्स इफ में उसमें भी मल्टीपल कंडीशन होती थी जो जो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती थी उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी, तो यहाँ पर भी यही होगा केस वन में अगर ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फॉल्स है तो फिर सेकेंड स्टेटमेंट अगर सपोज सेकेंड वाली भी फॉल्स है तो उस सिचुएशन में जो है ये थर्ड पे आ जाएगा इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है ये चेक कराता है कि आपके पास जो है वो अगर ट्रू है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और अगर फॉल्स है, तो फिर जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि एंड में हमारा जो डिफॉल्ट का होगा वो आके एग्जीक्यूट uh, होगा इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोग्राम देखते हैं सबसे पहले हमने क्या किया प्रोग्राम के अंदर हैडर फाइल्स ऐड की हैं जो कि हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा होता है कि सबसे पहले हैडर फाइल्स ऐड करनी है हैडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन के अंदर आकर हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है बाकायदा एक वेरिएबल ले, ले लेंगे उस वेरिएबल को हमने इनपुट करा लेना उसकी वैल्यू ले लेनी है एंटर नंबर ऑफ वीट डेज उसके बाद हमने वैल्यूज एंटर करा दी स्विच के अंदर हमने वो वेरिएबल एज एन एक्सप्रेशन दे दिया स्विच लिखा एज एन एक्सप्रेशन हमने क्या किया एन जो कि आपने वेरिएबल लिया था वो हमने दे देना है उसके बाद हमने केसेस मैच कराने हैं अगर वो वैल्यू हुई वन जो हमने वैल्यू एंटर की है वन हुई तो केस वन फ्राइडे प्रिंट हो जाएगा अगर टू एंटर किया तो सैटरडे इसी तरीके से प्रोग्राम जो है वो हमारा नेक्स्ट चलता जाएगा उसके बाद थर्ड केस मैच करेंगे हम अगर थर्ड केस यानी थ्री अगर वैल्यू हम देते हैं तो फिर संडे प्रिंट कराएगा फोर को मंडे फाइव वैल्यू दी ट्यूसडे सिक्स वेंसडे सेवन थर्सडे तो हमने सेवन वीक डेज में से कोई वैल्यू देनी है वन टू सेवन वन टू सेवन तक अगर हमने कोई वैल्यू दी तो इनमें से कोई ना कोई केस की वैल्यू मैच हो जाएगी और वो आगे प्रिंट करा देगा अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती तो डिफॉल्ट के अंदर आके इनवैलिड नंबर की स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा यानी वो क्या प्रिंट कराएगा इन वैलिड नंबर और उसके बाद जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्सेट uh, हो जाएगा तो इसमें हम देखा कि ये क्या करते हैं जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास स्विच के अंदर जो हमने एक्सप्रेशन लगाया हुआ था वो तमाम जितने भी केसेस थे उनकी वैल्यूज उससे उस नंबर से मैच होती हैं कोई भी वैल्यू अगर मैच हो जाती है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर स्विच से कोई वैल्यू जो है वो मैच ना हुई तो कोई भी वैल्यू उनमें से एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्जिट हो जाएगा आइए प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि तो स्टेटमेंट्स जो है वो कैसे काम करती हैं ये देखिए हमारे स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी तो यहाँ पर जो है वो हम ये हम प्रोग्राम अभी बनाने लगे हैं यहाँ पर जो कि ऑपरेटर्स को चेक करेगा छोटा सा एक कैलकुलेटर टाइप प्रोग्राम बनाने लगे हैं हम हम यहाँ पर क्या करेंगे दो वेरिएबल्स ले लेंगे ए और बी इंटीजर टाइप के और तीसरा वेरिएबल ले लेंगे कैरेक्टर टाइप का ओ पी के नाम से और हमने जो है वो वैल्यूज़ एंटर करा देनी है ए की वैल्यू एंटर करानी है ऑपरेटर एंटर कराना है और बी की वैल्यू एंटर करानी है उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो स्विच लगा देना है स्विच के अंदर जो हमने एज ए वैल्यू देना है वो हमने देना है ऑपरेटर ऑपरेटर के बाद जो है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है वो हमने केसेस मैच कराने हैं तो पहला जो है वो प्लस का केस आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर जो है वो अगर हमारा अगर हमने ऑपरेटर एंटर कराया है प्लस तो फिर जो है वो ए प्लस बी जो है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा देना है और एंडल, उसके बाद जो है फिर हमने यहाँ पर ब्रेक लगा देनी है ये याद रखिएगा कि हर एक केस के बाद हमने ब्रेक लिखना है ब्रेक जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है ताकि अगर ये केस मैच हो जाए तो ये वाली वैल्यू इसकी ए प्लस बी की वैल्यू एग्जीक्यूट हो और उसके बाद जो है वो प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट हो जाए कंट्रोल जो है वो एग्जिट हो जाए और ब्रेक के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगी अगर हम ये नहीं कराते हैं ब्रेक नहीं लिखते हैं तो फिर बाकी जो केस मैच हो जाते हैं उसके बाद वाली सारी स्टेटमेंट्स जो हैं, वो प्रिंट होने लगेंगी तो ये इधर जो है वो हम ठीक हो गया इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो जल्दी जल्दी लिखा जा सके और उसके बाद जो है वो यहाँ पर भी ए माइनस बी आ जाएगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमने ए मल्टीप्ल है यहाँ पर बी लिख देना है उसके बाद यहाँ पर डिवीजन अच्छा एक चीज़ ये आपके जहन में रहे कि डिवीजन के लिए अगर डिवीजन है तो फिर हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी तो इफ़ जो आपका ऑपरेटर है जो आपका जो हमारे पास ए और बी जो है दो वैल्यूज़ हैं अब हमने ए को बी पर सपोज अगर डिवाइड करना है तो वो वैल्यू ज़ीरो ना हो अगर बी को ए पर डिवाइड करना है यानी ए डिवाइजर है या बी डिवाइज़र है इनमें से जो भी डिवाइज़र होगा हमने क्या करना है उसे चेक करना है कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो वो आगे एक्सेप्शनल रन टाइम एरर जो है वो बन जाता है जो कि बाद में फिर इशू होता है तो जो है वो b assigned to अगर तो जीरो है अगर जीरो है तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा उस सिचुएशन में ये होगा कि हमने यहाँ पर प्रिंट करा देना है सी आउट b is zero याद दायनटर नंबर इज़ जीरो कुछ भी आप जो है वो यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो है वो अदरवाइज़ uh, क्या होगा यानी अगर बी ज़ीरो है तो बी ए ज़ीरो का आ जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट uh, प्रिंट हो जाएगी अदरवाइज फिर हम एल्स करके फिर हम यहाँ पर ए डिवाइडेड बाय बी कर देंगे ठीक हो गया और उसके बाद जो है ब्रेक लग जाएगा और देन जो है अगर उनमें से कोई केस मैच नहीं होता यानी ए बी सी अगर हमारे पास प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का कोई भी ऑपरेटर अगर काम नहीं करता तो उस सिचुएशन में जो है हमने क्या करना है हमने जो है यहाँ पर लिख लेना है कि डिफॉल्ट इनवैलिड ऑपरेटर अगर हमने ये ऑपरेटर नहीं लगाया कोई और ऑपरेटर लगा दिया लाइक क्वेश्चन मार्क है लाइक आप जो है वो कोई भी और ऑपरेटर आप लगा सकते हैं डॉट लगा दिया कुछ लगा दिया इस तरह का तो ज़ाहिर सी बात वो हो, इनवैलिड होगा तो वो काम नहीं करेगा ठीक हो गया इसको जो है वो अब हम इकट्ठे फ्लेमन प्रेस करके जो है वो कंपाइल और रन कराते हैं और फिर यहाँ पर देखते हैं कि जी एरर आया है और एरर क्या है एरर जो है वो आपका जो है वो आया हुआ है यहाँ पर okay, 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 के ओके 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 इसके बाद हमने यहाँ पर लगाना था सेमी कॉलन जो कि हमने नहीं लगाया है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है तो ये जो है ये देखिए इसको हम सेट कर लेते हैं ये मैं आप लोगों को साथ के साथ ना इसमें अगर चेक वगैरह करते रहते हैं कि अगर कोई एरर आ रहा है तो वो क्यों एरर जो है वो क्यों आ रहा है मैं जानबूझ के मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर हमने प्रोग्राम में कहीं पर कोई प्रॉब्लम जो है हो वो हो तो फिर उसका क्या इशू होता है ठीक हो गया तो कोई एरर नहीं है अब हमने वैल्यूज़ एंटर करानी है सपोज़ हमने जो है ट्वेल्व एंटर कराया है उसके बाद हमें कोई ऑपरेटर लगाना पड़ेगा वो ऑपरेटर जो है सपोज़ हमने लगाया है प्लस का और उसके बाद जो है वो हम थर्ड वैल्यू कोई जो है वो एंटर करा देते हैं थर्ड वैल्यू हमने अगर जो एंटर कराई है तो अब ये देखिए ट्वेल्व प्लस टू फोटीन होता है तो ये आपको जो है वो यहाँ पर ये आंसर नज़र आ रहा है ठीक हो गया उसके बाद जो है हम दोबारा से इसको चेक करते हैं कोई और हम इसमें जो है वो डवियन ऑपरेटर के थ्रू हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं सपोज आपने जो ऊपर की जो वैल्यू थी यानी ए की जो वैल्यू थी वो आपने ट्वेंटी फोर दी है और जो आपने ऑपरेटर लगाया है यहाँ पर डिवीजन का ऑपरेटर लगाया है और उसके बाद जो है वो आपने उसकी जो डिविडेंड है सपोज हम ज़ीरो कर लेते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर ज़ीरो करते हैं तो फिर देखते हैं कि ये क्या करता है ये देखें बी ज़ीरो ठीक हो गया तो जब बी ज़ीरो है तो उसका मतलब ये होगा कि वो कोई भी जो है वो वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा ठीक हो गया और उसके बाद जो है दोबारा इसको चेक करके देख लेते हैं ये देखिए उसी प्रोग्राम को उसी चीज़ को हम जो है वो उसी को रिपीट कर लेते हैं डिवीजन को और यहाँ पर हमने ट्वेल्व दे दिया है तो ये देखिए फोर बाय ट्वेल्व का आंसर आता है टू तो ये आया है टू ठीक हो गया इसी तरीके से आप आखिरी और ऑपरेटर हम एंटर करने की कोशिश करते हैं हमने जो है वो ये वैल्यू दी है उसके बाद ऑपरेटर हमने कोई एंटर करा दिया है कुछ इस तरह का तो ये आ गया ठीक हो गया और उसके बाद जो है हमने ये टू दे दिया है इनवैलिड ऑपरेटर ये देखें उसकी वजह ये है कि हमने जो है वो यहाँ पर प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ काम किया था बाकी चीज़ें जो है वहाँ पर हमारे पास नहीं थी जिसकी वजह से हमने जब ये मॉडुलस ऑपरेटर लगाया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया डिफॉल्ट में कि आपका जो ऑपरेटर है वो इनवैलिड है ओके okay, जी होप सो so, आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा तो टिल नेक्स्ट लेक्चर बाय बाय अल्लाह हाफिज़